हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, सब पढ़ रहे होंगे, सबने अपना अपना बैकलॉग जितना भी होगा वो सब कवर कर लिया होगा। आज सैटरडे क्लास है आपकी, कल क्लास हो नहीं पाई। कल तबीयत मेरी ठीक नहीं थी थोड़ी सी, इसलिए कल क्लास नहीं कर पाया। बट राइट नाउ आज आपकी सैटरडे क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको क्लास मिल जाएगी। कल संडे है। जितना भी आपका बैकलॉग हुआ है, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स आई हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, वो सब आप कल मेरे से पूछ लें। कल आप अपनी डिस्कस कर लें, कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, आप मेरे को फ़ोन कर लें किसी भी टाइम, एनी टाइम। बस सुबह 11 बजे के बाद फ़ोन करना, ठीक है? और क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। कोई डाउट अगर आ रहा हो तो मैसेज कर देना, और जिन बच्चों ने भी मैसेज करे हैं, डाउट्स आए हैं उनके, उनको मैंने रिप्लाई दे दिया था। अब वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ कंफर्टेबल हैं। अगर आप पर्सनली मैसेज करने जाते हैं, आप पर्सनली मैसेज कर लें। अगर आप पर्सनली मैसेज करने जाते हैं तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर आप ग्रुप में कंफर्टेबल हैं तो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। कोई ऐसे कंपलसरी नहीं है कि किसी को ग्रुप में ही मैसेज करना है। जहाँ आप कंफर्टेबल हैं वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। एक बच्चे ने ग्रुप में ही मैसेज करा था, उसमें आपको एक आपके स्टूडेंट ने आंसर कर दिया था, तो वो आंसर सही था, गलत नहीं था। और जो बच्चे इनएक्टिव हैं ग्रुप में, वो प्लीज़ एक्टिव हो जाएं। इससे पहले मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, आप खुद ही एक्टिव हो जाएं, ठीक है? हमारा चैप्टर कहाँ तक हो चुका था? हमने सेल के अप्रोक्स हम 30% कवर कर चुके हैं चैप्टर, और अब जल्दी जल्दी हम चैप्टर और आगे खींचेंगे अब जल्दी से, ठीक है? कल संडे में आपको कुछ DPPs भी दूंगा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करूंगा कि आप तक पहुँचें। कल संडे शायद क्लास नहीं होगी, कल संडे ऑफ रहेगी। संडे में बस ये इसलिए छुट्टी है, जितना भी आपका बैकलॉग हुआ है, जितनी भी आपकी क्लासेस छूट गई हैं, या नोट्स नहीं बन पाए हैं, या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप NCERT की रीडिंग नहीं कर पाए, तो इसलिए आपको मैं एक दिन अपने अपनी तरफ से फ्री दे रहा हूँ, और वो आप करेंगे, उसमें आप कंप्लीट करेंगे, और शाम तक आप मुझे वो चीज़ चेक कराएंगे, और आपको DPP दूंगा। बस आपको वो करनी होगी, ठीक है? इतना सा तो काम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, और सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है? उसमें मैंने ब्रीफली आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दी थी। मैंने कल बच्चों से ही बात कही तो बच्चों ने बताया, सर हाँ अभी तक तो चीज़ें ठीक है, समझ में आ रही हैं। ऑनलाइन में भी सारी चीज़ें वैसी हैं जैसे ऑफलाइन में थी, कोई वो नहीं हो रहा है। और मैं आप लोगों को कॉल भी कर रहा हूँ, मैसेज भी कर रहा हूँ, तो आप लोग ये चीज़ बिल्कुल भी फील ना कर रहे होंगे कि सर नहीं है। मैं ना होते हुए भी आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट रख रहा हूँ, ठीक है? यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में मैंने बात कर ली थी, उसके फंक्शन, उसके टाइप्स एंड अबाउट दी सेल्स वी डिस्कस अबाउट इट, ठीक है? एंड दी डिस्कस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में, जिसका नाम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये भी बता दिया हमने कि स्ट्रक्चरली कैसे सिमिलर होती है यूकेरियोट्स के। अब आप लोगों का जिम्मेदारी है कि मैंने तो लास्ट क्लास में पढ़ा दिया, अब ये सारा रिविज़न करना, रोज रिविज़न करना, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है? ये रोज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है? देन बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन भी पढ़ी थी हमने, कैसे वो इनकम्प्लीट और पार्शली फिल्ड बताया था, कैसे प्रोटीन शुगर प्लस प्रोटीन क्या कहलाएगा हमारा ग्लाइको प्रोटीन, शुगर प्लस लिपिड क्या कहलाएगा हमारा ग्लाइको लिपिड, ठीक है? लिपिड नेचर कैसा होता है हमारा, फ्लूड लाइक, ठीक है? और ये भी बता दिया था, सिंगर एंड निकलसन ने बोला था कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो ऐसे तैरते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था आइस क्यूब वाला, कि एक बॉटल में मैंने आइस भर दी, तो उसे मैं रोटेट करूँगा तो सारी आइस तो उधर नहीं गिर जाएंगी, ऊपर अपर सरफेस पे रहती है, मतलब आधा इधर आधा उधर, दोनों साइड रहती है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम अपने फंक्शंस पे आ रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक चीज़ें तो देख ली, ठीक है? हमने ये पता कर लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कैसी है, किसने डिस्कवर करी, क्या उसके बारे में बताया गया, वो सब हमने पढ़ लिया। अगर आप NCERT का रीड मारेंगे, एक रीडिंग करेंगे, तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें मेरी पढ़ाई हुई भी ही मिलेंगी, कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी। अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो मुझे इन्फॉर्म करें, मुझे बताएं। उससे ये कि अगर कुछ, वैसे तो मैं 99% NCERT कवर कर लेता हूँ, कोई टॉपिक छोड़ता नहीं हूँ। अब 1-1% कोई छोटी मोटी चीज़ है, कोई ईजी सी चीज़ है जो लगता है कि 9th-10th क्लास में बच्चों ने पढ़ी होगी, आती होगी, अब उसे भी मैं यहाँ नोट्स में लिखूँ और फिर उन्हें एक्सप्लेन करूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो टीचर वाले ही वो नहीं लगेगा। इसलिए
ट्राई यही करता हूँ मैं अपनी साइड से कि आपको पूरा सफिशियंट एक वो दे दूँ पैकेज, और वो अपनी साइड से मैं कर भी रहा हूँ और मिलता भी बच्चों को। अगर आपने यही नोट्स पढ़ लिए और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए और आपसे लग गए, तो आप समझ लो आप कामयाब हो, आपकी पढ़ाई वसूल है और आप ईमानदारी से पढ़ लो। और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है, या तो आप टीचर के पढ़ाने में कमी है या फिर आपके काम में कमी है। अब जब आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे और वो क्वेश्चंस के आंसर आपके नोट्स में लिखे हुए मिलेंगे, और मैंने बोला होगा उनका आंसर, उन्होंने समझाया होगा, पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करा होगा, और जब आपको ये दिखेगा तो फिर आपको कमी किसके अंदर होगी, आपके अंदर, कि आपने सही से पढ़ा नहीं, आपने रिवाइज नहीं करा, तो ये गलती किसकी होगी, आपकी। इसके जिम्मेदार कौन है, आप, ना कि मैं, ठीक है। तो इसलिए टोटल कहने का मीनिंग ये है कि भाई पढ़ लो, मजाक मत लो, नीट का पेपर है, डॉक्टर बनना है, अब सीरियस हो जाओ, 11th 12th जितना करना था कर लिया। टोटल ओवरऑल कंक्लूजन ये है, रोज़ यही बात कहता हूँ मैं कि भाई पढ़ लो। कुछ लोग सोचते होंगे बोले यार ये 5 मिनट रोज़ सर इसमें निकाल देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं बोले सर हम डिमोटिवेट होते हैं, तो हमें मोटिवेट करो, हमें डांटो, उनको अच्छा लगता है, उनको समझ में आती है, तो उनके लिए मैं करता हूँ, ठीक है। फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है, फंक्शंस ये हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या कराती है हमारी, सीक्रेशन। सीक्रेशन क्या होता है, सीक्रेशन जैसे क्या है, हमारे टीयर्स आते हैं आईज में से, तो ये क्या है, सीक्रेशंस। इस टाइप का हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस टाइप के फंक्शन करती है, सीक्रेशन कराना, सेल की ग्रोथ कराना, सेल डिवीजन में हेल्प करना, इंटर सेलुलर जंक्शन बनाना, मतलब दो सेल्स के बीच में जंक्शन बनाना, ये एक सेल है, ये रही एक सेल, और ये रही मेरी दूसरी सेल, इनके आपस बीच में जंक्शन क्रिएट करना, इंटर सेलुलर जंक्शन कहलाता है हमारा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कराना, ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब आप लोग इतने नॉलेजेबल हो गए, पढ़े लिखे हो चुके हैं, जो नए बच्चे हैं वो बता देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, ATP की। इसकी ट्रिक क्या है, एक्टिव में ए आ रहा है और ATP में क्या आता है, ए, तो ATP डिपेंडेंट होता है, पैसिव नो ATP, उसमें कोई ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा एंडोसाइटोसिस, एक होता है हमारा एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ होती है, बल्क ट्रांसपोर्ट हुआ, वो बल्क ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, बायो में मैक्सिमम चीज़ें किस पे डिपेंड है, वर्ड मीनिंग पर। अगर आपने वर्ड मीनिंग समझ लिए और वर्ड के मीनिंग्स को आपने तोड़ के समझना चालू कर दिया, और आप NCERT की रीडिंग कर रहे हो, तो आपको एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा, ठीक है। बल्क ट्रांसपोर्ट एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मीन विद इन दी सेल, जो सेल के अंदर होता है। एक्सोसाइटोसिस सेल से बाहर की साइड, एक्सो मीन्स बाहर, एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर, एक्सो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स अंदर, जो सेल के अंदर है, ठीक है। विद इन दी सेल दो टाइप का होता है, एक होता है पिनोसाइटोसिस, एक होता है हमारा फेगोसाइटोसिस, ठीक है। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, जो सेल है वो हमारी क्या करती है, सेल ड्रिंकिंग करती है, ड्रिंक मतलब कि सेल पानी पीती है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, पिनोसाइटोसिस, समझ रहे हो। जैसे हम थ्रस्टी होते हैं, जब हमें प्यास लग रही होती है तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, तो ये क्या होता है हमारा, पिनोसाइटोसिस। देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मीन क्या है, सेल ईटिंग प्रोसेस, सेल ईटिंग मतलब फेगोसाइटोसिस, जो जो सेल्स को खाती है, मतलब के लंच करना है, डिनर करना है, ऐसा समझ लो, ठीक है। सेल ईटिंग प्रोसेस यानी कि फेगोसाइटोसिस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए अभी तक। हमने इस पर क्या डिस्कस करा अभी, फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पिछली क्लास में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला काम क्या है उसका, सिक्रीशन। दूसरा काम क्या है उसका, सेल ग्रोथ। थर्ड काम क्या है उसका, सेल डिवीजन। फोर्थ, इंटर सेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप होता है हमारा, एक्टिव पैसिव। एक्टिव यानी ए आ रहा है, ATP में क्या आता है, ए, तो ATP डिपेंडेंट होता है, जिसमें मतलब कि हमारा पैसा खर्च हो और जिसमें हमारी एनर्जी कंज्यूम हो, वो कौन सा प्रोसेस होता है हमारा, एक्टिव प्रोसेस। और पैसिव प्रोसेस का होता है नो ATP रिक्वायर्ड, जिसमें ATP की रिक्वायरमेंट नहीं हो। दी नेक्स्ट टॉपिक इज बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है हमारा, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, टू सब कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस विद इन दी सेल, इट्स मीन कि सेल के अंदर जो चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज पिनोसाइटोसिस एंड सेकेंड इज फेगोसाइटोसिस। पिनो मीन्स ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी पीना, जो सेल हमारी पानी पी रही है, डेट इज कॉल्ड
पिनोसाइटोसिस। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज फैगोसाइटोसिस। फैगो मीन्स खाना, यानी कि मैक्रोफाइज, यानी कि उसे खाना। तो फैगोसाइटोसिस मीन्स सेल ईटिंग प्रोसेस, यानी कि सेल चीज़ें खा रही है, दैट्स कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोसाइटोसिस? एक्सोसाइटोसिस मीन्स कि सेल वॉमिटिंग, या तो सेल वॉमिट कर रही है, कोई चीज़ सेल के अंदर से बाहर जा रही है, डैट इज कॉल्ड सेल वॉमिटिंग। ठीक है, कोई चीज़ सेल के अंदर जा रही है, डैट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। डैट इज क्लियर। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेल वॉल। व्हाट इज, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है? हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, वी नो। ठीक है, ये सेल वॉल अब दोबारा कैसे आ गई सर? पुराना तो आप पढ़ा चुके हैं, थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, एक दो चीज़ें हैं वो बतानी है, कुछ सेल वॉल के टाइप्स बताने, तो वो रह गई हैं, वो बता दूँ। ठीक है, हमें इतना पता है, हमने इतना अब तो हमें इतना पता चल गया, हम इतने पढ़े लिखे हुए हैं सर, ये सेल वॉल क्या होती है? बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर सेल वॉल आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है हमारी, रिजिड होती है। रिजिड मीन ठोस होना। जो अगर तुम्हारी कोई वॉल है जो तुम्हें प्रोटेक्शन दे रही हो, कैसी होगी? सॉफ्ट होगी या रिजिड होगी? तुम अपने घर की सिक्योरिटी के लिए किसी सिक्योरिटी गार्ड को रखोगे तो किसी ऐसे ही सॉफ्ट से इंसान को, कच्चे पच्चे पतले इंसान को खड़ा करोगे, या फिर किसी ठोस इंसान को जो मतलब रोक के, जो उसका बचाव करे, जो उसे सुरक्षा करे आप लोगों की? तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सेकंड वाला। ऐसी ही इसमें डिजिट मतलब कि ठोस होना, और फोर्थ इज नॉन लिविंग। ये क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग क्यों है? इसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन इसकी डिफरेंट है, हर किसी डिफरेंट है। ठीक है, सेल वॉल हमें पता है किस किस में पाई जाती है? बैक्टीरिया, फंजी, एल्गी, एंड द लास्ट इज हायर प्लांट। कुछ हायर प्लांट्स हैं जिसमें हमारी सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में किस टाइप की सेल वॉल होती है? उसका नाम क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकिन। क्या होता है उसका नेम? पेप्टिडोग्लाइकिन। फंजी, फंजी का क्या सेल वॉल है? फंजी सेल वॉल होगी काइटिन की बनी हुई। किससे बनी हुई है? काइटिन। बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकिन। एल्गी, एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोस, गैलेक्टेंस, मैनास, कैल्शियम कार्बोनेट। हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में क्या होता है? हायर प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोस, हेमी सेल्यूलोस प्लस पैक्टिन प्लस प्रोटीन, इससे बनी होती है हमारी हायर प्लांट की सेल वॉल। ठीक है, एनिमल में सेल वॉल होती है सर? बताओ आप लोग बताओ, जो नए बच्चे होंगे उसमें शायद एक दो बच्चे कह दें हाँ सर होती सेल वॉल, बट इट इज़ रॉन्ग। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजी, एल्गी, नॉट इन द एनिमल्स। वी टॉक अबाउट एनिमल्स, द सेल वॉल इज एबसेंट। हमारे एनिमल्स में सेल वॉल एबसेंट होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो फोन लगनी चाहिए। आज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा कि कल की क्लास के भी थोड़ा सा यहीं कवर कर दूंगा। थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ इसीलिए कि थोड़ा सा जितना मैं पढ़ाना है उससे मैं थोड़ा सा 10% एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, जो थोड़ा आज का है वो कल का दोनों दिन कवर हो जाएगा। कल आपको DPP मिल जाएगी, तो आपको DPP लगानी है, यानी कि डेली प्रैक्टिस शीट। ठीक है, तो आपको उसे सॉल्व करनी है, उसके आंसर आपको मैं शाम तक देने हैं, वो चेक करूँगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, लाइव क्लास करनी पड़ेगी जब भी मज़ा आएगा, ऐसी क्लास में मज़ा नहीं आ रहा। जल्दी कोशिश करूँगा लाइव क्लास करूँगा, अभी भी मैं जस्ट क्लास से अपनी आ रहा हूँ और आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भी थका हुआ लग रहा होगा आपको भी, इसलिए कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी लाइव क्लास की स्टार्टिंग करूँ। वो कभी लाइव क्लास होगी, कभी रिकॉर्ड क्लास आएगी, ऐसे रहेगा इस टाइम को। 10-15 दिन एडजस्ट कर लो, बाकी फिर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला क्या होता है? दो सेल्स होती हैं। ठीक है, ये दो चीज़ है। आई होप इट इज विजिबल। फॉर एग्जाम्पल ये और ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, अब इनके बीच में ये इतना सा गैप है, ये 1 सेंटीमीटर का ये जो गैप है, ये दिख रहा है 1 सेंटीमीटर का ये गैप, मतलब इतना सा गैप जो है ये, इसे बोलते हैं मिडिल लैमिला। क्या बोलते हैं इसको हम? मिडिल लैमिला। क्या बोलेंगे हम इसको? मिडिल लैमिला।
होता बहुत थिन सा है, मतलब बहुत पतला होता है, ठीक है, स्टिकी होता है, स्टिकी मतलब कि चिपचिपा। थर्ड टॉपिक इज सीमेंटिंग लेयर। सीमेंटिंग लेयर यानी कि ये जो दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों को जो जोड़ के रखा हुआ है वो कौन है। अच्छा, सबसे बड़ी एग्जाम्पल देता हूँ, घर की दीवारें बनी हुई देखी हैं आपने, घर की दीवार बनती किससे, जो हमारी वॉल है वो किससे बनती है, ब्रिक्स से लगते हैं, चौके होते हैं, ईंटें होती हैं वो रखते हैं, ठीक है, उनमें सीमेंटिंग करते हैं, पतली सी लेयर होती है। तो वो देखते होगे दो दो ऊपर, एक ऊपर रखा होता है, एक नीचे, बीच में मिडिल में एक वो भरा होता है, डेट इज कॉल्ड मिडिल लेवल। कैसा होता है, थिन होता है, पतला होता है, स्टिकी होता है, ठीक है, और उसका काम क्या होता है, सीमेंटिंग लेयर। सीमेंटिंग लेयर मतलब दोनों को जोड़ के रखता है। एमोर्फस इन नेचर, एमोर्फस इन नेचर का मतलब क्या होता है, ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा। किससे बना हुआ होता है मिडिल लैमेला, कैल्शियम पैक्टेट। किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम पैक्टेट। ये डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आता है, याद रखना, इसे लिख लेना, इसे हाईलाइट कर लेना इस पॉइंट को। मिडिल लैमेला के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि ये बना हुआ किससे होता है, मिडिल लैमेला, कैल्शियम पैक्टेट। मेजर आगे के लिखा, मेजर यानी 99% तो कैल्शियम पैक्टेट से बना हुआ होता है। बट अगर हम बात करते हैं किसी और उसमें क्या मतलब किससे, और इसके अलावा और के सब्सटेंस यूज होता है, तो मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन मैग्नीशियम क्या होता है हमारा माइनर, मैग्नीशियम क्या होता है हमारा माइनर, ज़्यादा नहीं यूज़ होता। 99% क्या होता है हमारा, कैल्शियम पैक्टेट, बाकी 1% वन परसेंट क्या होता है हमारा, मैग्नीशियम पैक्टेट। हेल्प इन सॉफ्टिंग ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट। जो हमारे फ्रूट होते हैं ना, फ्रूट उसके अंदर भी कैल्शियम पैक्टेट होता है। कभी देखा है कि कभी कच्चा वो खाया है, कच्चा केला या कच्चा अमरूद या कच्चा कुछ भी एवरेजिंग, ठीक है, वो कैसा होता है, सख्त सा होता है, ठीक है, जब तक तो उसमें कैल्शियम पैक्टेट, जब तक तो उसमें मिडिल लैमेला नहीं प्रेजेंट होता, जब तक उसमें सॉफ्टनिंग नहीं आती, ठीक है, तो हेल्प इन सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। एक डायग्राम भेजूंगा आपके ग्रुप में, एक सेकंड दिखा देता हूँ, अगर मैं भूल जाऊँ तो मैसेज कर देना। कभी कभी ऐसा होता है, एक ग्रुप में भेज दिया मैंने, दूसरे ग्रुप में भेज दिया, भूल गया। ये होता है इस टाइप का। लाइट पड़ रही बहुत ज़्यादा, फ्लैश इस टाइप की सेल्स बनी हुई दिख रही होंगी, होप कुछ दिख रहा हो। फिलहाल भेजूंगा ग्रुप पर, अगर भूल जाऊँ तो याद दिला देना, ठीक है। तो हमने ये सेल्स ले ली, एक सेल से ही हमारी, दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल्स है, ठीक है, ये आपस में ऐसे करके ज्वाइंट हो रही है। तो जब दो चीज़ें होती हैं, जब दो कोई हमारे तुम्हारे रूम है घर में, ठीक है, एक रूम तुम्हारा बराबर वाला भाई का होगा, दूसरा वाला तुम्हारा रूम होगा, ठीक है, दो रूम है, ठीक है, दोनों रूम के बीच में एक वॉल होती है, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब ये वॉल्स कितने टाइप की हमारी इन सेल्स के बीच में, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, और इनके बीच में क्या आता है, एक पिट्स आता है, पिट्स यानी कि वही पता चल जाए, पिट्स होता है, खाली स्पेस होता है, ये मैंने मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। प्राइमरी वॉल किसकी बनी होती है, सिंगल लेयर, जो हमारी प्राइमरी वॉल है वो किसकी बनी हुई है, सिंगल लेयर, एक लेयर की होती है, ठीक है, कैसी होती है, थिन होती है, थिक नहीं होती, कैसी होती है हमारी, थिन होती है, थिक नहीं होती, मतलब थिन यानी पतली सी होती है, ठीक है। इन यंग प्लांट सेल, ये किस में मिलती है हमारी प्राइमरी वॉल, यंग प्लांट सेल, और प्राइमरी वॉल की सबसे ज़्यादा खासियत बात क्या है कि इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, कैसी होती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा, मोर दी इलास्टिक, ठीक है। डिमिनिश आफ्टरवर्ल्ड, डिमिनिश आफ्टरवर्ल्ड यानी कि डिमिनिश आफ्टर वर्ड, ये पॉइंट तुम काट देना, तुम्हारे मतलब की नहीं है, काट देना, इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, या तो पूरा लिखना चाहिए या फिर इसे काट दो। और इतना समझ लेना, प्राइमरी वॉल आउटर लेयर की होती है, प्रोटेक्शन देगी, और इतनी आसानी से डिमिनिश नहीं होगी, यानी टूटेगी नहीं, यानी खराब नहीं होगी, ठीक है। ये आफ्टर वर्ड लिखा हुआ है, इसे कट कर देना, ठीक है। प्राइमरी वॉल सिंगल लेयर की होती है, थिन होती है, पतली सी होती है। इन यंग प्लांट सेल, प्लांट सेल्स से में मिलती है, इलास्टिक ज़्यादा होती है, मोर इलास्टिक, डिमिनिश आफ्टर वर्ड, ठीक है। सेकेंडरी वॉल यूजुअली मेड अप ऑफ थ्री लेयर, जो हमारी सेकेंडरी वॉल है वो किससे बनी हुई होती है, तीन लेयर से बनी हुई होती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, थिकेस्ट ऑफ द सेल,
ये हमारे जो हमारी प्राइमरी वॉल है वो थोड़ी सी पतली होती है, ठीक है। जो हमारी सेकेंडरी वॉल है वो क्या होगी, थिक होगी, इससे ज़्यादा थिक होगी। वो क्या थी, थिन थी, यानी वो पतली थी। थिक का मतलब क्या था, मोटी होना, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा कैसे समझाऊँ, ज़्यादा मतलब थिन मतलब पतला, थिक मतलब के मोटा होना, सिंपल सी चीज़ है, ऐसे समझो, ठीक है। एज ऑफ दी सेल, इसमें जो इलास्टिसिटी होती है, इसकी इलास्टिसिटी उसकी इलास्टिसिटी से कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। इन नेचर ऑफ प्लांट सेल, इन प्लांट सेल की कैसे हुई है, सेल्स आपस में फॉर्मेशन होती हैं, फॉर्म्ड कैसे फॉर्म्ड हो रही है, इनर टू प्राइमरी वॉल। सबसे पहले कौन सी हमारी वॉल है, प्राइमरी, फिर कौन सी वॉल है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी वॉल। इस वाले डायग्राम में दिख भी रहा होगा, ठीक है। एक साइड में सेल का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। पहले वो डायग्राम देखना, सबसे पहले वो डायग्राम क्यूब, वो बेंजीन टाइप रिंग का बना हुआ है, ठीक है। सबसे आउटर लेयर कौन सी हमारी, प्राइमरी वॉल, ठीक है। वो एक सिंगल लेयर से बनी हुई है, ठीक है, थिन होती है, पतली सी होती है। सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल जो बनी हुई है वो एक सिंगल लेयर की नहीं है, उसमें तीन लेयर इंक्लूड है। कौन सी इंक्लूड है, थ्री लेयर, जिसको मैंने बोला S1 S2 S3। कितनी लेयर है बेटा, S1 S2 S3। S1 लेयर जो होती है वो होती है हमारी ओल्ड, S3 लेयर जो होती है वो कौन सी होती है हमारी, न्यू, ठीक है। पिट्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पिट्स। इन पिट्स प्राइमरी वॉल इन्वॉल्व, जो हमारी पिट्स होती है उसमें प्राइमरी वॉल हमारी इन्वॉल्व है। इन पिट्स सेकेंडरी वॉल एब्सेंट एट कर्टन प्लेसेस, कुछ जगहों पर जो होती है हमारी पिट्स, जब पिट्स नीचे डायग्राम देखो, ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है, ये स्पेस देख रहे हो यहाँ पर, ये जो स्पेस है, इसी स्पेस को क्या बोलते हैं हम, पिट्स, क्या बोलते हैं इसको हम, पिट्स। पहले हमारी एक वॉल बनी हुई है, साइड में हमने सिंगल लाइन ड्रॉ हुई हुई है, प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल, फिर टर्शियरी वॉल, ठीक है। देन उसके बाद फिर हमने क्या बना रखे हैं, पिट्स बना रखे हैं, उसमें कुछ स्पेस अनफिल्ड है, यानी कुछ स्पेस की जगह है, तो उसे क्या बोला है हमने, पिट्स, ठीक है। तो प्राइमरी वॉल तो इन्वॉल्व होती है, बट सेकेंडरी वॉल इसमें कुछ जगहों पर इन्वॉल्व होती है, कुछ जगहों पर नहीं होती, सम एक्सेप्शन है। ये आपको पढ़ने की इतनी ज़रूरत है नहीं, आप बॉटनिस्ट बनोगे, आप BSc MSc में जाओगे, तो जब आपको ये चीज़ें पढ़नी ज़रूरत है। बस हमारी NCERT ने इतना बोला है कि पिट्स है, पिट्स मीनिंग के सम रिमेनिंग स्पेस, यानी पूरी लाइन है ये, तो पूरी लाइन है, कुछ जगह से इसका स्पेस खाली है, तो पूरी लाइन है ये, पूरी लाइन ड्रॉ हो रखी है। उसके बाद हमने तीन क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रखे हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, उसके बीच में कुछ स्पेस खाली है, उसी स्पेस को क्या बोलते हैं हम, पिट्स, रिमेनिंग स्पेस इज कॉल्ड पिट्स, ठीक है। इन पिट्स प्राइमरी वॉल इज इन्वॉल्व, प्राइमरी वॉल इन्वॉल्व होती है, बट कुछ एक्सेप्शन थे, जहाँ पे सेकेंडरी वॉल एबसेंट होती है एट कर्टन प्लेसेस। अनथिकेस्ट एरिया इज नोन एज पिट्स, जो अनथिकेस्ट मतलब कि जिसमें कोई, ये जो रिमेनिंग एरिया है इसे क्या बोला है हमने, पिट्स बोला है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक का, हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, बट मैं अभी इस पे कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से क्लास को खींचा है। दो चीज़ें और पढ़ा देता हूँ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड दी गॉल्जी अपैरेटस। पानी पियो पहले, हाइड्रेशन रहनी चाहिए। नोट्स में देखोगे आप, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, गॉल्जी, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, लाइसोसोम, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, वैक्यूल। फिर हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। फिर मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल नीचे वाले सरफेस से बात कर रहा हूँ, बॉक्स बनाया हमने, बॉक्स बनाने बाद हम देख रहे हैं कि उसमें क्या रखा हुआ है, एक न्यूक्लियस, ठीक है, उसकी उसकी लेबलिंग हो रखी है। उससे ऊपर हम देखेंगे कुछ कर्वी शेप के स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, ER, ER, व्हाट इज ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं इसको हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देन उसके बाद कुछ हमारे इस वो बने हुए प्रोटीन्स, लिपिड और वैक्यूल, ठीक है। ये इस टाइम पर क्या है, इमेच्योर है, क्या हैंगे हमारे, इमेच्योर है, किससे अटैचिंग, ER से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके ऊपर देखोगे थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा गोल्जी बना हुआ है, ठीक है,
गोल्जी के अंदर ये जाते हैं, गोल्जी के अंदर जाने के बाद ये आगे चल के मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो फिर कुछ क्या बन जाते हैं, लाइसोजोम, कुछ बन जाते हैं वैक्यूल, ठीक है, और कुछ बन जाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। ये डायग्राम सिंपल सा इतना सा ये कह रहा है, पहले हमारा न्यूक्लियस बना हुआ है, न्यूक्लियस की जो सरफेस है, जो कंटिन्यूस लेयर है, यानी सरफेस एरिया है न्यूक्लियस का, उस पर ही अटैच क्या बना हुआ है हमारा ER। ER क्या होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके ऊपर क्या बने हुए हैं हमारे लिपिड्स, और कुछ लिपिड्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ वैक्यूल हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बना हुआ है हमारा थर्ड पॉइंट, गोल्जी। गोल्जी क्या करता है हमारा, ये मैच्योर करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ये आगे लाइसोजोम, लाइसोजोम से क्या, लाइसोजोम के बाद क्या बनता है हमारा, वैक्यूल जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, कुछ प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, फंक्शंस ऑफ द फोर सेल ऑर्गेनली आर कोऑर्डिनेटेड। जो हमारी चार सेल हैं उनके फंक्शन जो कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेट मतलब कि एक साथ फंक्शन करते हैं, साथ में काम करते हैं, डेट इज कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। चार सेल्स हैं, कौन कौन सी चार सेल्स हैं, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, B, गॉल्जी एपरेटस, C, लाइसोजोम प्रोटीन, D, वैक्यूल, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। डबल मेम्ब्रेन होते हैं? नहीं सर। कौन सी मेम्ब्रेन से बने होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, याद रखना। ER क्या है हमारा, सिंगल मेम्ब्रेन। गॉल्जी क्या है हमारा, सिंगल मेम्ब्रेन। लाइसोजोम प्रोटीन क्या है हमारा, सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल क्या है हमारा, सिंगल मेम्ब्रेन। भूल मत जाना, इस पे ही क्वेश्चन आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के होते हैं, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, वी टॉक अबाउट सिंगल मेम्ब्रेन। ER, गॉल्जी, लाइसोजोम, वैक्यूल, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद फिर आगे जो उसकी कंटिन्यूस लेयर है उससे ही हमारी कर्विंग आ रही है, उसे क्या बोलते हैं, ER, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर है, उसे क्या बोलते हैं हमने, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, उससे कनेक्ट हुआ हुआ ER, ठीक है। जब ER देखोगे तो ER के बाद फिर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनवाए, यहाँ बनवाए, जहाँ पर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की हेडिंग पड़ी हुई है, नीचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट, उसके सबसे लास्ट में डायग्राम बना हुआ है सबसे एंडिंग पॉइंट पर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद फिर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है, उसके बाहर जाएंगे तो हम वेसिकल्स हैं हमारी, ठीक है। और कुछ जो हमारा ये जो क्रिस्टर्नी है, जहाँ पे मतलब कि ये इस तरीके से वो बने हुए हैं, शेप दी रखी है, जहाँ पे कर्विंग हुई हुई है, वहाँ पे कुछ राइबोसोम अटैच हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इसे, ये जो कर्विंग है इसे बोलते हैं हम क्रिस्टर्निया। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रिस्टर्निया। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा, क्रिस्टर्निया, CRISTERNEI, क्रिस्टर्निया। क्रिस्टर्निया मीन्स जो फोल्डिंग है, जो यहाँ पे फोल्डिंग हुई हुई है ना एंडिंग में, उसे बोलते हैं हम क्रिस्टर्निया। और इसके अंदर क्या है हमारे, ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या होता है, इनर स्पेस, जो खाली स्पेस है उसे क्या बोलते हैं हम, ल्यूमेन। क्या बोलते हैं उसको हम, LUMEN, ल्यूमेन, ठीक है। और फिर जो यहाँ पे ये जो कर्विंग है, जहाँ पे फोल्डिंग हुई हुई क्रिस्टर्निया में, उसके बीच में कुछ स्पेस है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा ल्यूमेन। अगर आप नोट्स को ध्यान से देख रहे होंगे और आपने नोट्स बना लिए होंगे तो आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं एक बार नहीं बोल रहा, एक ही चीज़ को मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने क्या देखा, न्यूक्लियस बना हुआ है, न्यूक्लियस हमारा क्या अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कुछ फोल्डिंग्स हैं, ठीक है। जो उसके अंदर वाला पार्ट है न्यूक्लियस के बाद, जो अंदर का एरिया है, जो स्पेस खाली है, उसे क्या बोलते हैं हम, ल्यूमेन, ठीक है। और जो हमारा बाहर से कर्विंग हुई हुई है, जो हमारा पार्ट है फोल्डिंग वाला, उसके बीच में जो स्पेस है, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा ल्यूमेन, ठीक है। ER क्या हुआ है हमारा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यानी कि गच्छा हुआ, यानी कि गच्छा हुआ, ऐसा सिंपल सा प्लेन सा नहीं, गच्छा हुआ है, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, क्रिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल, तीन चीज़ आती है, क्रिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स। क्रिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल, क्रिस्टर्नी, क्रिस्टर्नी पे ये कुछ राइबोसोम अटैच हैं,
यहाँ ही हमारे कुछ राइबोसोम्स अटैच, राइबोसोम प्रेजेंट 80S, राइबोसोम प्रेजेंट 80S, ये जो राइबोसोम्स हैं इनको क्या बोलते हैं, 80S, ठीक है। कुछ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन अटैचिंग राइबोसोम क्रिस्टर्नी, क्रिस्टर्नी बना हुआ है हमारा, क्रिस्टर्नी बना हुआ है, डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पर हेडिंग है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके ऊपर दो यूनिट बनी हुई हैं, एक तो लार्ज है एक स्मॉल है, ठीक है। जो स्मॉल वाली उसे क्या बोलते हैं हम 40S, और जो लार्ज वाली उसे क्या बोलते हैं हम 60S, ठीक है। राइबोसोम से हमें बताएं कि इतना तो आप क्लियर होगा, 70S 80S दो टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 40+60, तो कौन से वाली की बात कर रहे हैं, 70S की 80S की, बताओ बताओ, दिमाग दौड़ाओ, आंसर करो। ये 40+60 कौन से होते हैं हमारे, ये 70S वाले, और 60+80 वाले वो कौन से होते हैं हमारे, 80S वाले, ठीक है। अब ये जो इसमें ये जो कैलकुलेशन है मैथमेटिकली और इसकी तो अलग अलग है, ये जब आपको मैं राइबोसोम वाला वो पढ़ाऊंगा ना डिटेल में, तो उसमें क्लियर कर दूंगा ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है कहाँ जाता है, एस से क्या आता है हमारा सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट, ठीक है। तो देख रहे होगे जो हमारे क्रिस्टर्नी है, क्रिस्टर्नी के जिससे ऊपर जो बना हुआ है वो क्या है हमारे स्ट्रक्चर, राइबोसोम, जिसमें लिखा हुआ है एक लार्ज लिखा हुआ है, उसके ऊपर के लिखा हुआ है एक स्मॉल, जो हमारा क्रिस्टर्नी से अटैच होता है राइबोसोम वो कौन सा वाला होता है हमारा, लार्ज वाला, और स्मॉल वाला उससे ऊपर होता है, ठीक है, उससे कम उसमें होता है। तो ये लार्ज वाले के और इसके क्रिस्टर्नी के बीच में, इनके बीच में रिलेशन है, इसे क्या बोलते हैं हम राइबोफोरिन प्रोटीन, इनको क्या बोला गया है हमारा, राइबोफोरिन प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं, इस पर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ स्ट्रॉल, वो सुना होगा कि जो जिम वाले लोग होते हैं या किसी एक को मैं टारगेट ही नहीं कर रहा, कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रॉइड्स खाते हैं, खाने पीने की चीज़ों में स्ट्रॉइड्स खाते हैं, आजकल दवाइयों में स्ट्रॉइड्स खाते हो आप लोग, बहुत सी जगहों पे बहुत सारी जो महंगी महंगी एंटीबायोटिक्स आती हैं, बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स आती हैं, उसमें स्टेरॉइड्स की मात्रा पड़ी हुई होती है, दैट इज ये वो ही चीज़ है, ठीक है। इसमें कोई राइबोसोम नहीं होता, ठीक है। वैसिकल, वैसिकल नो राइबोसोम, इसमें कोई राइबोसोम नहीं होता, इस पर कोई राइबोसोम प्रेजेंट होता, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट, ई आर क्या होता है हमारा, एक बार में थोड़े से पार्ट में क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले एक सेल बॉक्स बनाया हमने, ठीक है। उस सेल बॉक्स में पहला हमारा पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस, गोल्स, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस, ठीक है। जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर है, कंटिन्यूस लेयर है, उसके पास में साइड में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, डेट इज कॉल्ड ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देन फिर कुछ राइबोसोम्स हैं, कुछ लिपिड्स हैं, कुछ प्रोटीन्स और कुछ वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। वो इस टाइम पे क्या है, इस स्टेज पर इमेच्योर है। देन ये जाते हैं गॉल्जी में, गॉल्जी में जाने के बाद ये आगे चल के ये प्रेजेंट होते हैं, और गॉल्जी में जाने के बाद ये मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। उससे क्या बन जाते हैं हमारे, प्रोटीन, वैक्यूल और राइबोसोम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है हमारा, लाइसोसोम और वैक्यूल, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। उसके बाद मैंने बताया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, पहली चीज़ तो ये सिंगल लेयर्ड होती है, दूसरी चीज़ इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ फोर सेल्स ऑर्गेनेल आर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मीन्स कि एक साथ में काम करना है, ठीक है। वो कौन कौन से करता है, ER करता है, गॉल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये ऑल आर दी सिंगल मेम्ब्रेन, ये जितनी भी हैं सारे क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या होता है हमारा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, क्या कहलाया है हमारा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है, सराउंडिंग में क्या है हमारा, ER, ER क्या है हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बीच में फ्री स्पेस है, उसे क्या बोला हमने, ल्यूमेन, ठीक है। जो हमारे फोल्डिंग हुई हुई है, जहाँ पे क्रिस्टर्निया है, जिसे हमने क्रिस्टर्निया बोला है,
वहाँ पे बीच में जहाँ फोल्डिंग है वहाँ पर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, मिडिल में, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। हम देख रहे हैं न्यूक्लियस से किस में जा रहा है, हमारे वेसिकल ईआर में, ईआर से फिर वेसिकल हमारे बाहर निकल कर आ रहे हैं। वो किसी फॉर्म में आ जाते हैं, वेसिकल, क्रिस्टनी और ट्यूबुल फॉर्म में, ठीक है। ईआर का जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैसा होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक गच्छा हुआ, ठीक है। तो इसमें चीज़ें क्या कहते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब जब हम इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ आती हैं, क्रिस्टनी, ट्यूबुल्स, वेसिकल, ठीक है। क्रिस्टनी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टनी पे, क्रिस्टनी देख रहे हो वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्रिस्टनी। उसके ऊपर क्या है, हमारा एक राइबोसोम बना हुआ है, ठीक है। उसे क्या, वो कैसा होता है हमारा लार्ज, उससे ऊपर क्या है हमारा स्मॉल बना हुआ है राइबोसोम, ठीक है। 60S+40S, ठीक है। इसे क्या बोला हमने, राइबोफोरिन प्रोटीन। जो हमारा लार्ज वाली सब यूनिट है वो किससे कनेक्टेड है, हमारी क्रिस्टनी से। इसे क्या बोला हमने, राइबोफोरिन प्रोटीन, ठीक है। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन अटैचिंग राइबोसोम क्रिस्टनिया। किस में हेल्प करता है, राइबोसोम क्रिस्टनिया से अटैच करने में, ठीक है। दी नेक्स्ट टॉपिक इज ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, नो राइबोसोम प्रेजेंट, कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ स्ट्रॉल, स्ट्रॉइड, स्ट्रॉल बोलो, स्ट्रॉइड्स बोलो, ठीक है। वेसिकल्स, नो राइबोसोम प्रेजेंट, ठीक है। जस्ट अ मिनट, देखता हूँ डोर पे कोई है। सर मुलाकात भी सारे वी आर डिवाइडेड दी इंट्रा सेलुलर स्पेस इन टू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। हमारे ई आर है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, एक तो इंट्रा सेलुलर, एक होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। इंट्रा सेलुलर में क्या आता है हमारा ल्यूमेन, कौन सा वाला कंपार्टमेंट आता है हमारा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट में क्या था हमारा, जो हमारा फोल्डिंग क्रिस्टनी की फोल्डिंग थी उसके बीच में स्पेस था, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, इट इज द इंटरनल स्पेस एनक्लोज बाय ईआर मेम्ब्रेन। जो हमारा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है उसका जो इंटरनल स्पेस है उसे बोला हमने ईआर मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, इट इज द स्पेस प्रेजेंट आउट द ईआर इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है उसी को बोला हमने एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। बोतल लिया हमने, हाँ। टाइप्स, इसके टाइप्स कितने होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंट एंड एबसेंस ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। टाइप्स कौन कौन से हमारे, एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप के राइबोसोम बनते हैं, ये तो हमें पता है। कौन बनाता है राइबोसोम, ईआर क्या है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दो टाइप के राइबोसोम बनते हैं, एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले पे क्या होता है, नो राइबोसोम, कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आरईआर पे क्या होता है हमारा, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ग्रेनुलर सरफेस होता है। एक ग्रेनुलर मतलब कि जिसमें कोई दाने दाने नहीं होते, प्लेन सरफेस है, ठीक है। ग्रेनुलर मीन्स कि किसी चीज़ पे कोई दाने दाने पड़े हैं या कुछ वो है तो उसे बोलते हैं हम ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एसईआर एंड आरईआर, एसईआर की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर मीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। एसईआर क्या करता है हमारा, लिपिड, लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, हेल्प इन लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। एसईआर क्या बनाता है हमारा, लिपिड्स बनाता है, स्टेरॉइड्स बनाता है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन मसल्स, हमारी जो मसल्स होती है ना उसमें प्रेजेंट होता है। कौन सी मसल्स में प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, जब मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में वो बताते हैं हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो वहाँ पे एसईआर प्रेजेंट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय रिलीज अपटेक ऑफ कैल्शियम, जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारी वो किसकी हेल्प से होती है, किसके उसमें होती है, किसके रिलीजमेंट से होती है, जब हम पूरी इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे आता है कैल्शियम, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, एल्कोहल, पॉल्यूटेंट्स एटसेट्रा बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम। जब कोई भी चीज़ है, कोई भी आदत है हमारी, अगर वो एक्सेसिव है, एक्सेसिव मतलब कि
अगर तुम कोई भी चीज़ एक लिमिट से आउट ऑफ लिमिट कर रहे हो, चाहे मोबाइल चलाना, चाहे अल्कोहल, चाहे एनीथिंग, वो एक्सेसिव डोज जो है वो नुकसानदायक है। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ लिमिट में कर रहे हो ठीक है, बट अगर आप उसकी अनलिमिट कर रहे हो, उसकी कोई लिमिट ही नहीं, तो वो आपको नुकसान देती है। ऐसे ही हमारी बॉडी के कुछ चीज़ों को डिटॉक्सिफाइड करता है, वो कौन करता है? SER। कैसे? जैसे हम ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल, पॉल्यूटेंट्स वगैरह, इन सबसे कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? एक हमारा साइटोक्रोम P40 एंजाइम, P450 एंजाइम, एक एंजाइम हमारा बॉडी में जब हम ये चीज़ें ज़्यादा करते हैं तो ये एंजाइम रिलीज होता है, जिससे हम डिटॉक्सिफाइड करते हैं। ठीक है, RER क्या होता है? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कंबाइंड विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। जो बाहर का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो अटैच होता है, जो पॉइंट्स बने हुए दिख रहे होंगे आपको डायग्राम में भी, वो क्या है? हमारे राइबोसोम। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर वो प्रेजेंट है तो उन्हें क्या बोलना है? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो एबसेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ ये टॉपिक आपके क्लियर कर दिए मैंने, सेल वॉल क्लियर हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो गई, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन देख लिए हमने आज, और गॉल्जी पढ़ लिया, और सॉरी गॉल्जी कह रहा हूँ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ लिया, एंड देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा? गॉल्जी। अब बचा हमारा लाइसोसोम, वैक्यूल, और थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, माइक्रो बॉडीज बची हैं, 6-7 टॉपिक है और रह रहेंगे, ये 2-3 क्लासेस में और कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप नोट्स बना लेंगे और रिवीजन करते हुए चल रहे होंगे। साथ ही साथ कल आपका टेस्ट भी होगा, DP भी भेजूंगा, उसे एंड टू एंड सॉल्व करके शाम तक मुझे इसका आंसर भेज देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कल जो भी बात करना चाहे, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कॉल, मैसेज हो, कुछ भी, किसी भी टाइम पे कर लेना आप, बस सुबह 11 बजे की बात करना। ठीक है, और बस कल क्लास नहीं होगी, कल आपके लिए छुट्टी है। जितना भी आपका बैकलॉग है या जो क्लास नहीं देख पाए किसी कारण की वजह से या कुछ भी, वो आप अपना कंप्लीट करके रखें। मंडे से होपफुली एक टाइम भी आपको पता चल जाएगा क्लास का, और रेगुलर क्लास भी आ जाए करेगी। ठीक है, अब जो एक आधा क्लास नहीं हो पाई थी, अब ऐसा नहीं होगा, रेगुलर क्लास होगी। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय, टेक केयर।